आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों। ममता की बैठक से पहले विपक्ष को बड़ा झटका, आप और टीआरएस ने किया किनारा। अमित शाह का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को अर्ध सैनिक बलों और असम राइफल में नौकरी के लिए मिलेगा प्राथमिकता। हिंसक जिहादियों के खिलाफ कल होगी देशव्यापी प्रदर्शन, विहिप के महासचिव मिलिंद ने किया ऐलान। वायुसेना प्रमुख बोले, जिसकी अंतरिक्ष पर पकड़, भविष्य में युद्धों में उसी की जीत। मोदी ने संत तुकाराम को समर्पित मंदिर का किया उद्घाटन, बोले वीर सावरकर ने जेल में गाए थे उनके अभंग। बिहार में सेना की अग्निपथ स्कीम का विरोध, बक्सर में ट्रेनों पर पथराव, मुजफ्फरपुर में सड़क जाम कर हंगामा। झारखंड के गिरिडीह में भी सांप्रदायिक तनाव, हिंदुओं के 150 मकानों दुकानों पर बिकाऊ है के पोस्टर। हैदराबाद गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा, गैंगरेप के बाद हुआ था नाबालिग के साथ रेप, बेसमेंट में पिता को मिली थी बेटी। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल, छत्तीसगढ़ में 106 घंटे और 60 फीट नीचे बोरवेल में फंसे राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला। एक मंच पर दिखे मोदी, उद्धव रिसीव करने महाराष्ट्र सीएम के बेटे पहुंचे तो सिक्योरिटी ने रोका। गुवाहाटी में लैंडस्लाइड में 4 की मौत, 24 घंटे में से लगातार बारिश में मकान जमींदोज, शहर के कई इलाकों में कमर तक पहुंचा पानी। गैंगस्टर लॉरेंस को लेकर पंजाब पहुंची पुलिस, बुलेट प्रूफ वैन और 50 जवानों की निगरानी में मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी। की लंबी पूछताछ के बाद राहुल खफा, दूसरे दिन एजेंसी ने चाय कॉफी पूछी तो मना कर दिया, बोले बार बार बुलाकर परेशान न करें। बाल संरक्षण आयोजना ने सरकार से पूछा सवाल, पबजी पर कार्रवाई को लेकर मांगी जानकारी। बंगाल में राज्यपाल अब विजिटर भी नहीं, विधानसभा में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पद से हटाने का बिल पास। वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड सदस्य पद से हटाए गए, लखनऊ के टीले वाली मस्जिद के इमाम के किए बर्खास्त। मंडी में अंदर बिकने वाले 91% सब्जी फल पर लगेगा 1% यूजर चार्ज, कैबिनेट में प्रस्ताव पास। मेरठ में युवक की घर से बुलाकर हत्या, सुबह जंगल में बेटे को दिखा पिता का शव। यूपी पुलिस को ढूंढे नहीं मिल रहे उपद्रवी, 10 जिलों में 17 FIR, अरेस्टिंग सिर्फ 406।
प्रयागराज हिंसा में भाड़े पर भी आए थे। उपद्रवी सीसीटीवी फुटेज में हिंसा वाले दिन दिखी बाहर की गाड़ी। यूपी में दंगाइयों के सिर पर मंडराएगा हेलीकॉप्टर। ब्रिटेन की तरफ दंगा नियंत्रण करने की योजना। झांसी में पत्नी से झगड़े के बाद पति ने लगाई फांसी। 1.5 साल पहले हुई थी शादी। फर्रुखाबाद चौक का गिरेगा टाइम सेंटर। नगर पालिका ने कल शाम 5 बजे तक का दिया समय। औरैया में ट्रक डीसीएम की टक्कर से 2 की मौत। पाइप लोड करके कानपुर जा रहा था डीसीएम। मुख्यमंत्री योगी ने अग्निपथ योजना को बताया सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय। बोले देश की सुरक्षा को करेगी सुदृढ़। अलीगढ़ से गिरफ्तार रोहिंग्या खलीक के पहचान पत्र निकला फर्जी। म्यांमार से आकर रशीदीन मस्जिद में बना था इमाम। योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला। अब 6,000 रुपए से करेंगे अपने के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री। ग्रेटर नोएडा में तैयार हो रहे थे चीनी स्लीपर सेल। छापेमारी से पहले 20 विदेशी युवक और 12 विदेशी लड़कियां हुई फरार। साक्षी महाराज का पत्थरबाजों को करारा जवाब। कहा अगर पत्थर चलाओगे तो बुलडोजर भी चलेगा। यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। तबादला नीति को मंजूरी। 30 तक होंगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले। सीएम योगी का जबरा फैन मुस्लिम युवक ने सीने पर गुदवाया टैटू। समाज के लोगों को नहीं आ रहा रस। सिख विरोधी दंगों में 38 साल बाद शुरू हुई गिरफ्तारियां। कानपुर से निराला नगर से 4 आरोपित गिरफ्तार। यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए तो पैसे दीजिए। छात्रों के पास आए फोन। जालसाज बोला 10,000 2 पास करा देंगे। मेंटल हॉस्पिटल में मौतों का सिलसिला जारी। वाराणसी के मानसिक चिकित्सालय में फिर एक पेशेंट की मौत। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर की बहन का राशन कंट्रोल नियंत्रण घटौती का आरोप। बलिया पहुंची पूर्व पीएम चंद्रशेखर की मूर्ति। 22 लाख रुपए में तैयार हुई 11 फीट ऊंची मूर्ति। शहर के पार्क में लगाई जाएगी। नोएडा पुलिस ने 455 लोगों का काटा चलान। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर की कार्रवाई। बदायूं में एसपी देहात पर जुर्माने का रिमाइंडर बना टेंशन। साल 2000 को सूचना आयोग से जुड़ा मामला। तब इस पद पर तैनात थे ओपी यादव। नोएडा सीईओ ऋतु माहेश्वरी का एक्शन। वित्त मंत्री को गौशाला में मिली थी खामियां। ओएसडी को दी चेतावनी। वाराणसी में बदमाशों का आतंक। वाराणसी में बदमाशों ने भड़काया आतंक।
पैसे देकर बच्चों से कराई पत्थरबाजी। उत्तर प्रदेश में जगह जगह हिंसों से आई तस्वीर में हुआ खुलासा। पेट्रोल पंप हुए ड्राई, पेट्रोल पंप की पर तेल की हो रही किल्लत। लखनऊ के रोहतास ग्रुप निदेशक पर गिरी गाज, होगी 1 अरब की संपत्ति जब्त। यूपी में भाजपा प्रवक्ताओं के बाद मंत्रियों पर लगाम, सीएम योगी की नसीहत। नुपुर शर्मा मामले पर बयानबाजी से बचे, मर्यादा में रहे। ताजनगरी आगरा में विदेशियों से कोरोना का खतरा, 3 दिन में ऑस्ट्रेलिया में दंपति समेत 19 संक्रमित। कैची धाम में लगा नीम करौली महाराज के भक्तों का तांता, 25,000 से अधिक कर चुके हैं दर्शन। जितेंद्र त्यागी ने बताया जान को खतरा, दुबई के नंबर से रंगदारी नहीं देने पर मिली थी सर काटने की धमकी। धामी सरकार ने पेश किया 65,000 करोड़ का बजट, महिलाओं और युवाओं पर फोकस। केदारनाथ यात्रा में आए 4 तीर्थ यात्रियों की मौत, अब तक 82 श्रद्धालुओं की गई जान। हरिद्वार के झबरेड़ा में विदेश भेजने के नाम पर ग्रामीण से ठगी 1 लाख रुपए। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल खत्म होने की फैली अफवाह, फिलिंग स्टेशनों पर मची अफरातफरी। बद्रीनाथ में फर्जी होटल बुकिंग के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा, अभियुक्त गिरफ्तार। हल्द्वानी में मां की गैर मौजूदगी में पिता ही बेटे से करता था अश्लील हरकत, पत्नी की शिकायत पर पति गिरफ्तार। देहरादून में सुरकंडा देवी मंदिर जा रही सवारी वाहन खाई में गिरा, 12 लोग घायल, अस्पताल पहुंचे मंत्री। बीजेपी में शामिल हो गए उत्तराखंड आप के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली, 24 घंटे पहले छोड़ी थी पार्टी। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र राजधानी गैरसैंण में चल रहे सदन, कांग्रेस में धारदार सवालों से भाजपा के मंत्री असहज। घरेलू काम करने वाली महिला की नाबालिग बेटी से यौन उत्पीड़न, डॉक्टर के पति पर केस। देहरादून हल्द्वानी हेली सेवा पर ट्रक, पीक सीजन में 1 माह से ठप, 20 जून से पुनः शुरू की जाएगी संभावना। दर्जा मंत्री एचआर बहुगुणा आत्महत्या मामले में जिला कोर्ट से बहू और उसके पिता की अग्रिम जमानत नामंजूर। कर्ज के मर्ज में धस रही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रदेश के हर व्यक्ति पर अधिक का कर्ज। नेपाल में एमसीसी के बाद अब अमेरिका के एसपीपी प्रोग्राम पर छिड़ी बहस, केंद्र में नेपाली सेना।
ताइवान ने बनाई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, चीन की राजधानी बीजिंग तक मचा सकती है तबाही। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे पाकिस्तान, अमेरिका की शहबाज शरीफ सरकार को खरी। पुतिन की यूरिन इकट्ठा करते हैं बॉडीगार्ड्स, स्पेशल सूटकेस में सील करके लाते हैं रूस, वजह हेल्थ प्रॉब्लम को दुनिया से है छुपा। मैक्सिको में फायरिंग, सुरक्षा बलों पर बंदूकधारियों ने की गोलीबारी, 10 अपराधी मारे गए। सूर्य पर 8 घंटे तक हुआ विस्फोट जापान और दक्षिण पूर्वी एशिया में, रेडियो ब्लैकआउट, कल पृथ्वी से टकरा सकता है सोलर स्टार। इजरायली लेखक और शांति कार्यकर्ता इब्राहिम बी यहोशुआ का 85 वर्ष में निधन। भारत में धार्मिक मतभेद को लेकर यूएन की अपील, देश में जारी धार्मिक मतभेद और हिंसा को करे खत्म। विश्व स्वास्थ्य संगठन मंकी पॉक्स को कर सकता है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित, WHO बुलाएगा आपात बैठक। चीन ने भारतीयों से 2 साल का कोविड वीजा प्रतिबंध हटाया, व्यवसायियों और छात्रों की वापसी का रास्ता खुला। दलहनी खेती पर भारी पड़ेगा नीतिगत खामियां, खुले बाजार में चना का भाव MSP से नीचे। मई में रेपो बढ़ने के बाद महंगा हुआ लोन, जमा दरें 11 ने ही बढ़ाई लोन दर में 0.9% का इजाफा। एयरलाइंस पर DGCA की सख्ती, वैलिड टिकट नहीं तो पैसेंजर को देना होगा 20,000 तक का मुआवजा। सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को दी मंजूरी, मिलेगा 4G से 10 गुना तेज इंटरनेट। एयर एशिया इंडिया का अधिग्रहण करेगा टाटा समूह, प्रस्ताव पर CCI ने लगाई मुहर। RBI बोर्ड समेत जाइडस अध्यक्ष पंकज आर पटेल को अहम जिम्मेदारी, 4 साल के लिए हुई नियुक्त। भारत सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा राकेश झुनझुनवाला के इस शेयर का भाव। सेंसेक्स करीब 150 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,530 पर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और HDFC बैंक के शेयर फिसले। ट्विटर के स्टाफ से बात करेंगे, एलन मस्क, डील के ऐलान के बाद पहली बार होगी वर्चुअल बैठक। विस्तारा एयरलाइंस से लेकर आया जबरदस्त ऑफर, मुंबई से इंदौर के लिए 4,399 में भरे उड़ान। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दिन 299 रन का टारगेट, 50 ओवर में हासिल किया बियरस्टो का तूफान शतक। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे में श्रीलंका को 2 विकेट से हराया, वानिंदु हंसरंगा ने श्रीलंका के लिए 4 विकेट ली।
श्रीलंका में लगातार 7 हार के बाद जीता भारत, तीसरे टी20 में 48 रन से हराया। हर्षल पटेल ने झटके पर 4 विकेट। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। नुर्मी गेम्स में 79.3 मीटर थ्रो कर बनाया नेशनल रिकॉर्ड, जीता सिल्वर मेडल। भारत ने एशिया कप फुटबॉल के लिए किया क्वालिफाई, 5वीं बार क्वालिफाई किया। दिग्गज मुक्केबाज मेवेदर जापान के मिकुरू में भिड़ेंगे, पिता का दिया सफलता का श्रेय। विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली 31 टीम बनी ऑस्ट्रेलिया, पेरू को शूटआउट में 5-4 से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले पीवी सिंधु को बड़ा झटका, पहले दौर में हुई बाहर, साई प्रणीत को भी मिली शिकस्त। विदेशी टीमों के साथ खेले जाएंगे आईपीएल, जय शाह बोले आईसीसीआई से मांगेंगे 2.5 महीने का वीडियो। क्रोएशिया ने गत चैंपियन फ्रांस को 1-10 से हराया, लुका मैड्रिल ने किया मैच का इकलौता गोल। रणवीर बोहरा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, महिला ने 1.99 करोड़ ठगी का लगाया। दिलीप साहब के लिए शायरा बानो ने की भारत रत्न की मांग, बोली वो हिंदुस्तान के कोहिनूर रहे। इंतजार खत्म, रणबीर कपूर स्टार है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, शिवा का ट्रेलर हुआ रिलीज, फिल्म में दिखेगा वीएफएक्स का जबरदस्त तड़का। जुरासिक वर्ल्ड ने 3 दिनों में कमाया 3,120 करोड़, फ्रेंचाइजी की पिछली 5 फिल्मों ने की 28,000 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ कमाई। ₹777 चार्ली फिल्म देख कर्नाटक सीएम बशवार मुंबई ने निकले आंसू, बोले डॉग्स का प्यार सबसे प्योर है। सम्राट पृथ्वीराज ने 11 दिन में कमाए 65 करोड़, डायरेक्टर ने बताया अक्षय वापस से करेंगे मसाला फिल्म। दीपिका पादुकोण की बिगड़ी तबीयत, प्रोजेक्ट के शूट के दौरान एक्ट्रेस की हार्ट रेट बढ़ी, हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम द चैलेंज किया अनाउंस, रियलिटी शो में होंगे 456 प्लेयर्स, जीतने पर मिलेगा 36 करोड़। गोविंदा ने कृष्णा अभिषेक को किया माफ, बोले तुम मेरी सबसे प्यारी बहन के बच्चे हो। तुषार पांडे स्टार टीटू अंबानी का ट्रेलर हुआ रिलीज, दीपिका सिंह फिल्म में कर रही है एक्टिंग में कमबैक। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।